Good morning again, I am Rajneesh. Here, I am on this chapter, Tools and the Canvas. Tools and the Canvas. Just page 39 and the paragraph 3rd, I am starting here with. But even the Yusufwali scolded her. Yusufwali ne apni beti ko chillaya, daata. He knew that what a great help she has been to him thus far. वो समझ रही है कि हमारी बेटी जो हमीदा है वो किस तरह का हेल्प हमें मतलब बाप के लिए पिताजी के लिए वो कर रही है. All he had to do was to print the outlines and the likeness of the princess face. अंत में कंक्लूजन यही है कि ये जो प्रिंसेस जो हैं उनके चेहरा का आउटलाइन कैसा बनता है, उनको ये चित्रकारी ये पोर्ट्रेट पसंद में आता है कि नहीं. हमीदा वॉज द वर्किंग ऑन द डिटेल्स ऑफ द ज्वेलरी एंड द क्लॉथ्स. हमीदा जो भी प्रिंसेस ज्वेलरी पहनी है और जो भी क्लॉथ्स पहनी है उसका बहुत ही क्लोज इंफॉर्मेशन क्लोज डिटेल्स वो ले रही हैं. एज वेल एज द प्रिंसेस स्प्लेंडिड डायमंड नेकलेस विच वॉज प्लेस्ड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द एग्जीक्यूट नेकलेस एवर मेड इन द निज़ाम ऑफ द किंगडम. वन थिंग टू इन द माइंड, ये जो प्रिंसेस जो नेकलेस पहनी है डायमंड का उस निज़ाम में, उस हैदराबाद के निज़ाम में इतना कॉस्टली कोई भी ऑर्नामेंट्स आज तक वहाँ पर पहना नहीं है. और वो अद्भुत है, विचित्र है, सुंदर है और हाईली एक्सपेंसिव. द फादर एंड द डॉटर रियली स्टिल आर गोइंग सॉफ्टली वन दे वेयर द इंटरप्टेड बाई द अलिफिया. अलिफिया इज ए न्यू कैरेक्टर. इसी बीच में फादर मीन्स यूसुफ अली, बेटी मीन्स हमीदा के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है अबाउट द आर्ट एंड द पोर्ट्रेट. इसी बीच में वहाँ पे अलीफा पहुँचती है, वो बोलती है द मिडिल एज नोबल वोमेन, वो एक मध्यम एज की हैं. वो वर्क फॉर द बेगम साहिबा, वो काफ़ी दिन तक एसोसिएट रही हैं बेगम साहिबा के साथ. एंड द वॉकिंग इट विदाउट इवन द नॉकिंग, और उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि विदाउट नॉक करके भी वो घर में घुसती हैं. सी हैड ब्रॉट हर बेगम साहिबा मैसेज दैट द प्रिंसेस पेट हियर एंड द पीकॉक नीड नॉट टू बी प्रिंटेड इन टू द पोर्ट्रेट आफ्टर ऑल. ऐसा बेगम साहिबा का कहना है. अलीफा ने हमीदा को और यूसुफ अली को बताया कि उनको अपने पोर्ट्रेट के साथ डियर का फोटो नहीं चाहिए, और ना ही डियर का फोटो चाहिए और ना ही पीकॉक का फोटो चाहिए उनको पोर्ट्रेट के साथ. ये इंफॉर्मेशन अलीफिया ने दिया है किसको, हमीदा को और हमीदा के पापा यूसुफ अली को, कि वो जो भी पोर्ट्रेट बनाए उसमें डियर का फोटो ना हो और ना ही पीकॉक का फोटो. अलीफा पिक्ड अप द सम ऑफ द हमीदाज स्केचेस एंड द प्रिंसेस डायमंड नेकलेस एंड द प्राइस देम प्रोफ्यूसली. इसी बीच में अलीफा ने कुछ हमीदा के स्केच ऑफ द प्राइसलेस डायमंड ऑफ द प्रिंसेस डायमंड, प्रिंस जो डायमंड पहनती हैं उसके उसका जो उन्होंने आर्ट वर्क किया है आउटलाइन खींचा है नेकलेस का, वो काफ़ी प्राइस कर रही है, काफ़ी प्रशंसा करें, काफ़ी अच्छा है. हाउ रियल द नेकलेस लुक्स, कितना अच्छा नेकलेस ये दिखता है, एकदम रियल है. फॉर द पीस ऑफ द सिंगल डायमंड इन द पेंडेंट, हालांकि द प्राइस ऑफ द सिंगल डायमंड, वो जो नेकलेस है उसमें एक केवल एक डायमंड की जो प्राइस है, द निजाम कुड फीड ऑल द हैदराबाद फॉर द नेक्स्ट 7 जनरेशन, वो इतना ज़्यादा डियर है, इतना ज़्यादा महंगा है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि पूरे हैदराबाद हैदराबाद के 7 जनरेशन को खिलाने की ये कैपेसिटी ये डायमंड रखता है. डिड यू नो दैट दीज डायमंड्स कम फ्रॉम द निजाम ओन माइंस ऑफ द गोलकुंडा. और आपको जान के खुशी होगी ये जो क्वालिटेटिव डायमंड है ये गोलकुंडा से आया है. यूसुफ अली वॉज द क्वाइट कोल्ड विद द हर. यूसुफ अली जो है बहुत ज़्यादा अलीफा से बात नहीं कर रहा. ही बिगैन साहिबा दिस इज माई कमांड, वो साहिबा को अपना कमांड दे रहा. यूसुफ अली वॉक अक्रॉस द डोर, वो डोर के बगल से गुजर एंड हेल्ड इट ओपन वेरी पॉइंटेडली. नेक्स्ट टाइम प्लीज नॉक, यू आर द आर्टिस्ट एंड डोंट लाइक टू बी द डिस्टर्ब
खुदा हाफिज ही शेर। उन्होंने खुदा हाफिज बोला प्रिंसेस को, मतलब गुड बाई बोला, और बोला कि वो आप लोग आर्टिस्ट हैं, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आप खुदा हाफिज बोल के आप जा सकते हैं। आफ्टर एलिफिया लेफ्ट, इसी बीच में वहाँ से एलिफा जा रही है, यूसुफ अली वाज द वेरी वरीड एंड द शेयर्ड हिज द फियर्स विद द हमीदा। वो काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि हमीदा अपने ब्रदर का ड्रेस पहन के वहाँ पे गई हैं, होम ही लव डियरली, हालांकि वो हमीदा को बहुत मान रही हैं। दो ही केप्ट सेंडिंग हर एंड इट वाज हिज फॉल्ट, हमीदा ऑलवेज कम अप विद सच ए बोल्ड स्कीम दैट इवन एज ए चाइल्ड सी हैड ऑलवेज हैड ट्वाइस द कॉरेज ऑफ द ब्रदर्स। और ऐसा है कि जब वो बचपन में भी थी हमीदा, तो वो अपने जो उसके ब्रदर थे उसका इंटरेक्शन उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और वो अपने बच्चों के अपने भाई के बराबर का वो उसमें बोल्डनेस हुआ करता था। दिस आइडिया ऑफ द हर टू हैड द पेड ऑफ बिकॉज ही वाज ऑफ द इमेंस हेल्प ऑफ हिम। इसका नेचर बड़ा ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही हेल्प करने वाला है, बट He was worried, तो काफ़ी worried है। You will have to be the more careful now, father Yusuf Ali और हमीदा बात करें कि अगले बार से हम लोग और भी केयरफुल होंगे। If the anyone sees you working on a conference, we are done for। सारे लोग देख रहे हैं कि हम लोग conference पर काम कर रहे हैं, चलिए ये चीज़ क्या है, बहुत अच्छा है। Despite all his worries, हालांकि काफ़ी तकलीफ है, काफ़ी परेशानी है, चिंता, however their work progressed, वर्क जो है चित्रकारी का, पोर्ट्रेट बनाने का बढ़ रहा है। वेल एंड इन अ फ्यू डेज, आने वाले कुछ दिनों में द प्रिंसेस पोर्ट्रेट वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट, प्रिंस का जो पोर्ट्रेट है वो कंप्लीट करीब करीब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड ओनली द फाइनल सीटिंग रिमेन, बस एक बार फाइनल सीटिंग करना है। एंड दिस टाइम द प्रिंसेस वुड पोज ड्रेस्ड एग्जैक्टली एज शी वुड अपीयर इन द पोर्ट्रेट। और बस जिस समय हम फाइनल पोज चित्र पोर्ट्रेट में करेंगे उस समय हम ये चाहेंगे कि प्रिंसेस वहाँ सेम उसी ड्रेस में आए जिस ड्रेस में वहाँ पे पेंटिंग की गई है। एंड द एवरी डिटेल्स वुड हैव टू बी द चेक फॉर ए परफॉर्मेशन, और सारा जो डिटेल्स है पहनावा का, नेकलेस का, बैठने का, सारा स्टाइल इसका हेयर का, वो चेक हो जाना चाहिए एज पर परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। इन द मेन टाइम टुमारो आई विल द स्टार्ट, ठीक है, टुमारो आई विल द स्टार्ट विद द 41 पेज। इन द मेन टाइम टुडे इज द माई लेक्चर इज द 37, क्लास इज द 8, इंग्लिश लाइव 8, लिटरेचर एंड द रीडर बुक नेम एंड द 5th चैप्टर क्लूज ऑन कैनवास एंड डेट टुडे इज द 19/7/2020। इन द मेन टाइम प्लीज स्टे इन द होम, गो फॉर अ सीरियस स्टडी, रेस्ट योर आइज बिकॉज आई नो दैट यू पीपुल आर द वेरी मच बिजी विद द आइज ऑन एंड्रॉयड मोबाइल और अ कंप्यूटर। इन द मेन टाइम ईट न्यूट्रिशस, बी इन ए होम, स्टडी मोर, स्लीप मोर, बट ऑलवेज बी इन योर होम। इन द ग्रेट एक्सीजेंसी वनली गो आउट, इन द मेन टाइम taking my part, goodbye, see you.